दोस्तों, पाइपिंग एंड मैकेनिकल गाल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पाइप का बॉडी आईडी और सीएफ क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं इस बारे में बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ओडी आईडी और सीएफ क्या होता है। यह 2 इंच का पाइप 80 शेड्यूल का पाइप है। पाइप को शेड्यूल नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे शेड्यूल 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। पाइप का जैसे जैसे शेड्यूल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे पाइप का थिकनेस भी बढ़ता है। तो यह है पाइप का थिकनेस, और यहाँ से यहाँ तक होता है पाइप का थिकनेस। और ओडी आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर जो पाइप के बाहर से बाहर तक की दूरी होती है इसको बोलते हैं आउटसाइड डायमीटर। और इनसाइड डायमीटर, यहाँ इनसाइड से और अंदर अंदर की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं इनसाइड डायमीटर, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। और सी एफ सरकमफ्रेंस या पाइप के जो चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सी एफ सरकमफ्रेंस। तो इस सरकमफ्रेंस को ऐसे मेजर करते हैं, यह होता है सरकमफ्रेंस। तो आइए जानते हैं ओडी आईडी और सी एफ को कैसे निकालेंगे। किसी पाइप के सी एफ का मान 2πr होता है, तो सी एफ बराबर 2πr, इसको ऐसे लिखते हैं 2r × π। तो 2r डी के बराबर होता है और पाइप और डी पाइप के बराबर बाहर से बाहर की दूरी है, तो यह ओडी के बराबर होगा। तो डी बराबर ओडी, तो सी एफ बराबर OD × π और पाई का मान 3.142 होता है। तो यह हो गया सी एफ का फार्मूला, सी एफ बराबर OD × 3.142। और सी एफ में 3.142 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा ओडी निकालने का फार्मूला। तो ओडी बराबर सी एफ भागे 3.142। तो अब जानते हैं उदाहरण के तौर पर 10 इंच के पाइप का ओडी 273 होता है, तो सी एफ बराबर OD × 3.142। तो सी एफ बराबर ओडी का मान 273 × 3.142, तो सी एफ बराबर हो गया 857.966। तो सी एफ बराबर हो गया अप्रोक्स 858 के बराबर। यह 10 इंच के पाइप का सी एफ हो गया। और जब हमें सी एफ पता रहेगा तो ओडी कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। तो सी एफ में 3.142 से भाग दे देंगे तो ओडी आ जाएगा। ओडी तो ओडी बराबर सी एफ भागे 3.142, तो ओडी बराबर 858 / 3.142, तो ओडी बराबर 273, यह ओडी हो जाएगा। अब आईडी कैसे निकालेंगे, तो ओडी में 2 × थिकनेस माइनस कर देंगे, तो आईडी बराबर हो जाएगा OD − 2 × थिकनेस, यह आईडी का फॉर्मूला है। तो पीछे अभी देखे हैं कि 10 इंच के पाइप का ओडी 273 होता है, तो आईडी बराबर 273 − 2 × 5, जो 5, जो यह 5 10 इंच के 40 शेड्यूल पाइप का थिकनेस होता है, तो आईडी बराबर हो जाएगा 263। दोस्तों, आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पाइपिंग से संबंधित किसी और चीज़ में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। बी केयरफुल एट वर्क प्लेस एंड टेक केयर।